गाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमने मंगवाए हैं कबाब, देख सकते हैं आप, गार्निशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी करी है ये उसने। चाप यहाँ पे है हमारी वेजिटेरियन चाँप, जिसके पीसेस काफ़ी अच्छे हैं, ग्रेवी के साथ है, और गार्निशिंग इस पे भी अच्छी करी है भाई ने। और इधर है हमारे लेग पीस, रुमाली हमारी ठंडी हो गई थी पहले वाली वीडियो को बनाते बनाते। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, यू आर वाचिंग बॉर्न क्रिएटर, दिस इज ओसन 2180। सो गाइस हमारे साथ आज है यहाँ पे देसी बॉय के व्लॉग। हेलो पीपल, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आदि अजय और आप देख रहे हैं बॉर्न क्रिएटर। और हमारे साथ है एक और स्पेशल बंदा, तो देसी छोरा दिल्ली गए फिर से लौट के आ गया अपना। भाई आज हम आ गए हैं बॉर्न क्रिएटर चैनल पे और हमने चैनल को कर लिया हैक। तो भाई आज हम लोग बहुत मस्ती करने वाले, एक साथ में फूड ब्लॉग बनने वाला है, तो फिर हमारे विवेक भाई कुछ बताएंगे। तो बताओ जी क्या है। सो गाइज आज की स्पेशलिटी है, हमने चिकन लिया है, चिकन टंगड़ी मंगवाया है, चाप चाँप ली है, और वेज रुमाली चाँप है रोटी, बेसिकली ये, क्योंकि भाई जो है हमारा रुमाली वेजिटेरियन है। रोटी, रुमाली रोटी है साथ में, और ये हमें जो जगह बताई है, ये बताई है स्पेशली भाई ने। देसी तो छोरा भाई दिल्ली का, जिसको तो भाई यहाँ पे मैंने न्यू मोतीनगर में नियर बाय करमपुरा फ्लावर, तो भाई काफी यहाँ पे मशहूर है राजू भाई करके। तो शाम को उनका चालू होता है 7 बजे से और लास्ट उनके 12 बजे तक यहाँ पे मिलते हैं आपको राजू भाई। आपको नॉन वेज में या वेज में आपको जो खाना है, जैसे आपको एग हो गया या चिकन हो गया या चाप हो गया, जो खाना आपको सब मिलेगा। और जो उसका स्वाद है ना बहुत टेस्टी, और अपना डायलॉग मारो तो कति जहर स्वाद है। सो गाइस खाते हैं, टेस्ट करते हैं एक एक करके, भूख लग रही सारी है चीजें बहुत खाते हैं, टेस्टी। क्योंकि ये हो जाएगा ठंडा अगर हम बातें करते रहेंगे। तो फटाफट इसको खाते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं भी यहाँ का पहली बार खा रहा हूँ एंड भाई भी चाँप पहली बार खा रहा है। बट वो जो है, वो जो पीछे भाई बैठा है मैं ना, कई बार खा चुका वो हूँ, बहुत बार ही खा चुका है, और बहुत वो कहता है कि यार भैया आप खाओगे आपको मजा आ जाएगा। मजा आ सो जाएगा। गाइस खाते हैं एंड देन फिर आपसे थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। सो गाइस आप लोगों को यहाँ का एक बारी एरिया दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है सारा देखने में, एंड देन यहाँ का प्रॉपर आपको एक बारी रास्ता भी समझा देता हूँ कि आपको इधर से आना कैसे है। गाइस अगर मैं सामने की बात करूँ तो सामने जो आप देख रहे हैं ये है मोतीनगर का फ्लाईओवर, और वो आगे वहाँ पे उस तरफ रेड लाइट आती है, वो मोतीनगर वाली रेड लाइट है, जो मोतीनगर और वो जो टोयोटा का रामा रोड का वहाँ का शोरूम है उसके बीच की रेड लाइट है। और अगर हम इधर से बात करें तो इस तरफ वहाँ पे सामने पंजाबी बाग की तरफ से रास्ता आता है, आपने फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट रख के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, देन आपको इस तरफ यहाँ पे जो राजू भाई का स्टॉल है वो आपको दिख जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमने मंगवाए हैं कबाब, देख सकते हैं आप, गार्निशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी करी है उसने। ये चाप यहाँ पे है हमारी वेजिटेरियन चाँप, जिसके पीसेस काफ़ी अच्छे हैं, ग्रेवी के साथ है, और गार्निशिंग इस पे भी अच्छी करी है भाई ने। और इधर है हमारे लेग पीस, रुमाली हमारी ठंडी हो गई थी पहले वाली वीडियो को बनाते बनाते, सो उसको हमने दोबारा भेजा है गर्म करने के लिए। सो गाइस खाते हैं इसको और देखते हैं कि क्या हिसाब है, थोड़ा सा पहले कबाब टेस्ट कर लेते हैं। भाई ने शेप भी बड़ी प्यारी काट के दी है, बहुत सॉफ्ट है। तो गाइस अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट है,
खास करके जो क्रीम यूज करेगी ऊपर, क्रीम भी फ्रेश है एकदम, कोई इन्होंने वो वाला सीन नहीं करा कि यार बासी क्रीम यूज कर रही हो या क्रीम का टेस्ट कहीं थोड़ा सा खराब आ रहा हो। एंड द बेस्ट पार्ट है उस कबाब भी मुंह में डालते ही घुल रहा, तो दैट मीन्स कबाब भी ये नहीं है कि वो फ्रीजर वाले होते हैं ना जो फ्रीजर में पड़े रहते हैं और वो जम जाते हैं एक तरीके से, तो यार वो वाला सीन नहीं आ रहा। तो आदि आपको चांप का टेस्ट कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है सीरियसली। आओ यार विजिट करके यहाँ पे एक बार खाना जरूर, टेस्ट जरूर करना। दूसरी चीज ये कहते हैं ना लोग, ऊंची दुकान मीठे पकवान, ऐसा कुछ एक कहावत है भाई, वो क्या कहते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रही चीज, बट यहाँ पे ये है कि छोटी दुकान और मीठे पकवान, ऊंचे पकवान स्वादिष्ट पकवान छोटी दुकान स्वादिष्ट पकवान, मैं ये बोलूंगा। वाकई में बहुत टेस्टी है चाप, और चिकन का टेस्ट तो रिव्यू आपको विवेक भाई देंगे। और रुमाली रोटी हमारी गर्म होके आ गई है फाइनली, भैया लेके आ गए हैं, और थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और अब ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कि वेज चाप और यूट्यूब में डालोगे वेज चाप और क्या कहते हैं ये, क्या क्या इनमें टेस्ट हमें कैसा लगा। तो देसी छोरा तो सिर्फ प्याज और वही खा रहा है क्रीम। भाई मुझे ज्यादा तो ये पसंद है, ये जो प्याज है ना इसमें जो क्रीम है पूरी घुली होती है। बढ़िया यार ये ब्लॉग आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए फूड ब्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी पिछली वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला, ऑलरेडी 4000 क्रॉस होने वाली है, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आज हमने सोचा कि एक फूड ब्लॉग और बनाया जाए नाइट में, तो आप लोगों के लिए हमने ये बनाया। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना और यहाँ तक बंदों को पहुंचाना। आए छोटी सी दुकान लगाते हैं राजू भाई यहाँ पे, राइट? और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका यहाँ पे, तो मैं भाइयों की सर्विस बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात की खाने का स्वाद एक नंबर है वाकई में, जैसे विवेक ने बताया और आदि भाई ने बता दिया। चाप इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है चाप, मुंह में डालते घुल जा रही है, और मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि आप कोई बहुत हैवी चीज खा रहे हो। और काफी अच्छी इसमें मतलब फिनिशिंग दी उन्होंने, बहुत सारी चीज, मसाला बहुत अच्छा यूज किया है, मतलब ना नमक का ज्यादा है ना मिर्च है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया, आराम से इजीली आप खा सकते हो। तो ओवर टू विवेक जी, बताते हैं चिकन का रिव्यू कैसा है, तो देखते हैं चलिए लेग पीस खा के देखते हैं लेग पीस खाने में कैसा है। अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो थोड़ी सी चीज़ ठंडी हो गई है, तो ठंडी होने की वजह से भी सॉफ्ट है, रबड़ी फील नहीं आ रही है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो खाना है वो ठंडा हो रहा है, तो यार उस चीज़ का थोड़ा सा हमें ये चीज़ अफसोस मनाना पड़ रहा है कि हमें खाना थोड़ा सा ठंडा खाना पड़ रहा है। वह कुछ नहीं होता, खाना जो भी है बहुत टेस्टी है, खास करके चांप जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब इट्स लाइक जैसे आप बिल्कुल मक्खन होता है ना मुंह में डालते ही घुल जाता है, वो वाला सीन आ रहा है उसको खाते ही। सो गाइज इसको फिनिश करते हैं एंड देन लास्ट में आपसे बात। तो फाइनली गाइज खाना पीना हो गया डन, और विवेक भाई ने भी आपको रिव्यू दे दिए, मैंने भी आपको दे दिए, यहाँ की चाप बहुत 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 टेस्टी है। आओ विजिट करो राजू भाई के यहाँ पर और खाओ, और हमें भी बताना कमेंट सेक्शन में अगला फूड ब्लॉग कौन सा देखना चाहोगे, हम तीनों आपके लिए फूड ब्लॉग बनाएंगे। और साथ ही में एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं हमारे नए, तो भाई अपना नाम बताओ अपने बारे में कुछ। भाई मेरा नाम है रवि, और मेरा भी चैनल है फनी गन्नू के नाम से, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो जाके, भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स अ लॉट। और भाई विवेक भाई फाइनली वीडियो को एंड करेंगे अपने तरीके से, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। जैसे कि आदि ने बता दिया है खाना बहुत ही टेस्टी था, खास करके मेरे को लेग पीस, और हमने एक चिकन टिक्का और मंगवाया था, अफगानी चिकन टिक्का मंगवाया था, वो अगर आप खा लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चाम तो भाई ने बता ही दिया आप लोगों को, बहुत ही अच्छी थी। सो गाइस हमारे साथ यहाँ पे सारे हैं, लेकिन एक बंदे को मैं ज़रूर मिलवाना चाहूँगा जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया भाई, वो हमारे साथ हर वीडियो में होता है, तो उसकी तो बात ही अलग है। और देसी छोरा दिल्ली का तो हमारे सब्सक्राइबर भी हमारे साथ है भाई, तो भाई आज हमारा सब्सक्राइबर हमारा भाई रवि को तो सब जानते हो भाई, फनी गन्नू को जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से, फनी गन्नू। तो भाई एक छोटी सी बात बोलूंगा, आपका नियर बाय पड़ता है न्यू मोतीनगर करमपुरा, और भाई यहाँ पे जो ओपन होता है शाम के 7 बजे से लेके रात के 12 तक खुला रहता है राजू भाई का, भाई किसी से पूछ लेना, बहुत मशहूर है राजू भाई। तो भाई आपको नॉन वेज मिल जाएगा, वेज मिल जाएगा, जैसा आप चाहो आपको सब मिलेगा। खाने में होगा कती जहर स्वाद है दोस्तों, कती जहर जैसे भैया ने बताया। तो भाई काफ़ी वैरायटी आपको मिलने वाली है, और भाई फिर वीडियो को एंड करते हैं, तो भाई हमारे बोन तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। सो इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, आई होप यू आर ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो, दुनिया को खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी, की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय बाय।